फिर तुम जीवन मुक्त होकर के जीवन जीते हो। बाहर की प्रतिकूलताएं, बाहर के द्वंद्व, बाहर के दुख, बाहर की विषमताएं ये तुम्हें दुख न दे पाएंगी। कपालभाति प्राणायाम के करने से श्वासों को बाहर छोड़ते रहो, जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हें भीतर से अनुभव में स्वयं आएगा। करते रहो कपालभाति, मिटेंगी सारी अशुद्धियां। और जब असत मिट गया, तमस मिट गया, तो बस तुम ईश्वर पुत्र ही हो, तुम भगवान के ही हो। अज्ञान से तुमने अपने आप को भगवान से दूर कर लिया था, उस प्रभु ने तुम्हें ना बिसारा, तुमने उसको बिसार दिया था। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याहपीतं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणोत् सत्य धर्माय दृष्टये। तुमने बाहर के इस माया में, बाहर की चकाचौंध में कहीं अपने आप को विस्मृत कर दिया था। प्राणायाम से वो जो विस्मरण था वो मिटेगा और तुम जुड़ोगे अपने केंद्र से। मन मिटेगा, मन के अंदर उठते हुए विकार मिटेंगे, मन से परे तुम्हारी जो चेतना है उससे तुम जुड़ जाओगे। और यही तो योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। फिर भीतर का अपार वैभव, भीतर की अपार शक्तियां, भीतर की अनंत ज्योति, भीतर है अनंत शक्ति, वो पैदा हो। कपालभाति प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन 15 मिनट लगभग कर लेना। फिर करना बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना। देखो कपालभाति प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर तो पेट अंदर। यूं नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से कपालभाति करके बाद में बाह्य प्राणायाम करना। लेकिन हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बाह्य प्राणायाम न करना, बस इतना ध्यान रखना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट हाई बीपी की तो नहीं करना, थोड़ी प्रॉब्लम है हार्ट हाई बीपी की तो बाह्य प्राणायाम 10 सेकंड कर सकते हो। यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप अग्निसार कर सकते हो। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, छोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, गुडियान बंद, नाभि से निचले भाग को ऊपर भी खींच कर रखेंगे, मूल बंद, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति जो उद्बुद्ध हुई उसका ऊर्ध्व आरोहण, पेट के रोगों का, डायबिटीज आदि का समापन होगा। बहुत ही उत्तम प्रक्रिया प्राणायाम की बाह्य प्राणायाम। जाल अंदर बंद हटाते हुए श्वास अंदर भर लेते हैं, अंदर भर के पूरा करके रेचक बाहरी होल्ड कर देंगे बाह्य कुंभक। अग्निसार क्रिया भी की जा सकती है, तो ये अग्निसार क्रिया है। और आप करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ही जरूरी प्राणायाम। दैहिक आरोग्य तो मिलेगा ही, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, पेन, हार्ट की प्रॉब्लम,
अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी और पैरालिसिस जैसी समस्याएं मिट जाएंगी, वॉल्यूम जैसी समस्याओं में भी लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम जुड़ेंगे उस विराट से, प्रभु से। योग का अंतिम उद्देश्य अस्तित्व की पहचान, ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार, वो भी होगा सहज ही सक्रिय ध्यान। क्योंकि आप वैसे ध्यान करेंगे तो मन भटकेगा, इधर उधर अटकेगा, इसलिए भीतर के चक्रों में उतार देते हैं मन को, बाहर के चक्रों से हटा के। आई राइट हैंड को ऊपर उठाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना, बीच वाली दो उंगलियों से बाएं नाक को बंद करते हैं, प्रारंभ हमेशा बाएं से करते हैं, बाएं नासिका से श्वास को भीतर भरा और दाएं से बाहर छोड़ दिया, तो दाएं से लिया, तरह से करते रहे आप लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके। थक जाए तो रुक जाना, बीच में लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है, शक्तिपात हो रहा है, देवतागण आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दिशाएं आशीर्वाद दे रही है, ये हवाएं आशीर्वाद दे रही है, ये जल आशीर्वाद दे रहे हैं, ये पृथ्वी आशीर्वाद दे रही है, पृथ्वी देवता, आपह देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये सारी सृष्टि तुम्हें देती है, शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, सब कुछ हम इस सृष्टि से पाते हैं, इंसान लेता ही लेता है, देता बहुत कम है, इसलिए देवता बहुत थोड़े होते हैं, असुर ज्यादा, असुर वो असुरों की सींग नहीं होते, असुर वो जो लेते ही लेते देते नहीं। इस देश ने हमें कितना कुछ दिया, माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया, खुद सूखी रोटी खाके हमें पकवान खिलाए, खुद दुख उठा करके हमें सुख पहुंचाया, पूरी जिंदगी माँ बाप आखिर किसके लिए जीते हैं, बच्चों के लिए, माँ बाप हमें देते हैं, समाज हमें देता है, देश हमें देता है, राष्ट्र हमें देता है, ये दिशाएं हमें देती है, ये हवाएं, इन हवाओं से हम जीवित रहते हैं, लेकिन हवा को हम दूषित करते हैं, लेते हैं हम ऑक्सीजन, लेते हैं अमृत, छोड़ते हैं विष, सारी धरती सुख दे रही है, लेकिन इंसान कहीं भटक गया राह से। प्राणायाम से तुम जुड़ोगे स्वयं से, फिर तुम देवता बनोगे, फिर राक्षस नहीं बनोगे, फिर असुर नहीं बनोगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम दिव्यता देगा, करते रहो भाव के साथ करना, और अपने आप को ऊर्जा से भरते रहो, सहजता से लंबा लेना, छोड़ देना,
करते रहे इसी तरह से। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट पर एंड करते हैं, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं से ही समाप्त करते रहो। लवित्वता के साथ भरते रहो, दिव्यता से तुम देव बनोगे, तुम ऋषि बनोगे, तुम ईश्वर पुत्र बनोगे, तुम भगवान के ही हो। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन अमृतस्य पुत्रः। प्रभु से याचना करो, प्रभो त्वं हि नः पिता वसौ त्वं माता शतक्रतो बहुविध। प्रभो तुम मेरी माँ, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही भ्राता, अब तेरी शरण में हो। प्रभो अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वारे देव वैनानि विद्वान योध्यस्मज्जुराण मेनो भूष्ठांत नमक्तिम विधेम। प्रभो हे अग्निर्मय, हे ज्योतिर्मय, जीवन की राह को प्रकाशमान कर दो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। भीतर की कुटिलता मिटा दो प्रभु, तेरी शरण में हो प्रभु। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्योः कस्मै देवाय विशाखं। प्रभु अब तेरी शरण में हो, सारे देवतागण तेरा ही स्तवन कर रहे हैं। ये वृक्ष, ये पशु पक्षी कलरव करते हुए तेरे ही महिमा का गान कर रहे, सारी सृष्टि तेरा स्तवन कर रही, तेरी स्तुति गा रही है। ये सूरज और चांद तेरी आरती उतार रहे हैं। प्रभो मैं भी तेरी ही भक्ति में रख जाऊं, मेरा जीवन अब तेरे अर्पित हो जाए। दुनिया को बहुत कुछ समर्पित करके देखा, दुनिया ने तो अक्सर धोखा दिया, विश्वासघात किया। प्रभो अब तो तेरी शरण में हो, शक्ति दो, भक्ति दो, संतुष्टि दो, संतोष दो, तृप्ति दो, शांति दो, आनंद दो। प्रभो मैं तेरा अबोध बारक पुत्र तुझसे ही याचना करता हूँ। प्रभो तू ही एक देने वाला है, दाता इकराम, भिखारी सारी दुनिया, ये सारी दुनिया अतृप्त है, अशांत है, सब मांग रही है तुझसे। प्रभो मैं किससे मांगू तुझे छोड़ करके। प्रभो तेरी शरण में हूँ, तुझसे ही की याचना। प्रभो अब तेरा होकर के जीऊं, दुनिया का होकर के बहुत देखा, वह सब कुछ मिटाया अपना, खून पसीना बहाया अपना। प्रभु तूने ही सहारा दिया आखिर, जब दुनिया ने ठुकरा दिया, अपने भी जब पराये हो गए, जिनका जिंदगी में जिंदगी भर जिनका हाथ पकड़ के रखा, उन्होंने जब साथ छोड़ दिया, प्रभु तूने ही हाथ पकड़ के ऊपर उठाया। जब जब ठोकर खा करके गिरा, तूने ही संभाला। प्रभु इस भव सागर में डूबती डोलती नैया के प्रभु तुम एक सहारा हो, तुम एक किनारे हो। प्रभु अब तो आन मिलो अंतर में, अब तो इस देह को देवालय बना दो प्रभु, शिवालय बना दो, तेरी शरण में। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो भाव से और भरते रहो दिव्यता से स्वयं को। इड़ा पिंगला नाड़ियों का जब शोधन होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुलता है। इससे करते रहो लयबद्धता के साथ, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुलेगा, शिवत्व तो पाओगे भीतर से। तुम्हारे भीतर ही भगवान है, शुभ तेरे भीतर है, सत्य तेरे भीतर है, भगवान तेरे भीतर है, शांति सुख संतुष्टि तेरे भीतर है। बाहर नहीं भटको, अब तो भीतर उतरो। अनुलोम विलोम से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सभी चक्रों की दिव्य शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है। देह मन प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। दिव्यालोक का ध्यान, ओम खम ब्रह्म का साक्षात्कार स्वतः होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी प्राणायाम करना, सारे चक्र अब जाग चुके हैं, अब भीतर की दिव्यता और प्रकट होगी भ्रामरी से। प्रथम उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आज चक्र में, मन की केंद्र को केंद्र बनाना, यहां केंद्र बनाना, यहां मन को केंद्रित यहां करना। आज चक्र में मन केंद्रित, आंखें बंद और बंद।